इन दिस पार्ट अशोकस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ कलिंगा, उनका जो अशोकस जो इंस्क्रिप्शन था उसमें ये वर्णन किया गया, वाइल्ड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज कलिंगा वार अशोका गॉट दिस रिटन ऑन द स्टोन इंस्क्रिप्शन, में पत्थर के पूरा इस तराश के उनका अनुभव को लिखा गया। ओके, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग फर्स्ट कॉन्कर्ड कलिंगा पे उन्होंने युद्ध हमला किया, अबाउट 1.5 lakh पीपल वर इम्प्रिजेंट, उस वक्त में लगभग 1.5 लाख लोग वहाँ पे उनको इम्प्रिजन किया गया, कैद किया गया, मोर देन 1 lakh पीपल वर किल्ड। ओके, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, ओके, इनके अंदर में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए ये कलिंगा युद्ध में, ये इन्हें बड़ा अफसोस और दुख हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, पीपल हु लव देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड आर ग्रेशियस टुवर्ड्स द स्लेव्स एंड डेड और ऑल्सो किल इन द वॉर आर दे लूज देयर लव्ड वंस। नेक्स्ट, सो आई एम रिग्रेटिंग, तो उन्होंने ये कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ। ओके, मैं रिग्रेटिंग करता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेटिंग करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो धामा एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल, वो कहा कि मैं अभी धामा को एक्सेप्ट करता हूँ, इसके प्रिंसिपल्स को मैं टीच करता हूँ दुनिया के लोगों। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल्स हार्ट थ्रू धामा इज़ बेटर दैन फोर्सफुली विनिंग पीपल। ओके, आई एम कॉर्विंग दिस इंस्क्रिप्शन एज ए मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट मी माय सन एंड एवरी ग्रैंड चिल्ड्रन डू नॉट थिंक ऑफ इंडल्गिंग वार। तो उन्होंने इस तरह का पत्थर पे बहुत सारा संदेश को तराशा और कहने लगे मैं और मेरा लड़का और उनकी जनरेशन आने वाले कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। ओके, लोगों को फोर्सफुली वो नहीं करेंगे। ओके, ग्रैंड चिल्ड्रन डू नॉट थिंक ऑफ इंडल, और कोई भी युद्ध में हिस्सा नहीं करेंगे, किसी पर हमला नहीं करेंगे। दे शुड थिंक अबाउट द वेज इन विच दे कुड स्प्रेड धामा। तो धामा इज प्रैक्टिक फॉर्म ऑफ सांस्कृत वर्ड धर्मा, धर्म को कहते हैं सांस्कृत वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे आप भी नेक्स्ट देखते हैं, विच चेंजेस केम इन अशोकास आफ्टर कलिंगा वार, किस तरह के बदलाव आए कलिंगा वार के बाद। अशोकास इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्रैक्टिक लैंग्वेज जो लिखा गया हैज़ बीन फाउंड ऑन द वे टू दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ गुजरात में, ये है अशोका जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर लिखा है प्रैक्टिक लैंग्वेज में, ये हमें दिखाई देता है दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन, गिरनार पहाड़ के बाद जूनागढ़ में गुजरात में। द इंस्क्रिप्शन कंटेंस आर्टिकल ऑफ 3 kings, 3 राजाओं के बारे में इंस्क्रिप्शन में दिया गया आर्टिकल। द आर्टिकल इज फ्रॉम किंग महासस्रा रुद्रा दमन। दिस आर्टिकल गिव्स डिटेल अबाउट सुदर्शन तालाब लेक रिजर्वर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर पुष्पगुप्त, वाज गवर्नर एट द टाइम ऑफ मौर्यन किंग के टाइम में गवर्नर थे। चंद्रगुप्त कैनाल्स मेड फॉर इरीगेशन बाई यवन राज, वो द गवर्नर ऑफ द टाइम ऑफ अशोक है कि गवर्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट नीचे में हम देखते हैं अशोका एज एन एपोस्टल, अशोका ट्रैवल टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस अक्रॉस द पूरे कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किए। ओके, बुद्धिस्ट जहाँ पे भी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज स्थल थे, ही प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म ड्यूरिंग हिज यात्रा, इसकी यात्रा में इनकी यात्रा के दौरान में इनको बुद्धिज्म को प्रीच करने लगे। अशोका ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, से उन्होंने इंस्पिरेशन हासिल किया एंड शोड द पाथ ऑफ धामा टू हिज पीपल। ही एंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन एंड पिलर आर्टिकल्स एट वेरियस प्लेसेस इन एम्पायर, इनके एम्पायर में अलग अलग जगह पर इन्होंने एंग्रेव किया गया। ओके, इंस्क्रिप्शन को पिलर्स आर्टिकल्स पे टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट द टाइम, उस वक्त के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अशोका सेटअप है रिलीजियस डिपार्टमेंट, एक रिलीजियस डिपार्टमेंट भी उन्होंने अलग ने सेटअप किया। धामा ओके महापत्रा अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म अमॉन्ग द पीपल एंड वर्क टू रेज देयर मॉरल स्टैंडर्ड। अशोका बैंड हंटिंग इन स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायलेंस, तो अशोका ने उनके दौरान उन्होंने एनिमल हंटिंग करना इस तरह का एक कानून बना दिया। ही एम्फसाइज द प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नो, उन्होंने ऐसे एक प्रमोट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ लव हर कंपैशन काइंडनेस नॉन वायलेंस वर्च्यू एक्सेट्रा, ये सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने अपने राज में फैलाने के लिए इन्होंने मैक्सिमम कोशिश किया। अलॉन्ग विद द सरमंस सम यूजफुल सेइंग्स वर आल्सो एंग्रेव्ड इन द इंस्क्रिप्शन, वो पत्थर पे इस तरह भी बहुत सारे यूजफुल सेइंग्स जो कहावत है उसको भी उन्होंने एंग्रेव किया है। यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखिए ओबे यूर पेरेंट्स, उनका क्या था कि हमें अपना उनके जो सेइंग्स थे कहना था अशोका के, तो ओबे यूर पेरेंट्स अपने माँ बाप को कहना माना, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स का इज्जत करना, डू नॉट किल एनिमल्स को नहीं मानना, स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, ओके स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, सर्व द गुरु, गुरु को सर्व करना, टू बी काइंड टू वुमेन एंड सर्वेंट नौकर, और औरतों के साथ
रहम और शिला रहमी के साथ बर्ताव करना, टू गिव डोनेशंस टू ब्राह्मिन्स एंड मॉन्क्स, रेस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे मजहबों की भी इज्जत करना, इन्होंने इस तरह का इंस्क्रिप्शन पे तराश के गया है। नेक्स्ट, इन द ईयर 251 BC में अशोका कॉन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन मोगलीपुट्टा टीशा इन पाटलिपुत्रा में इन्होंने किया। इनका ये क्या मकसद है कॉन्फ्रेंस का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू एस्टैब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस, दूसरे जो धर्म के भेदभाव थे उसको हटाने के लिए। विच हैड रेज्ड अशोका प्रोपगेटेड बुद्धिज्म इन इंडियन स्टेट्स, इंडिया के जितने भी राज्य में उन्होंने फैलाने लगे बुद्धिज्म धर्म को, कश्मीर में गंधार, चोला, पांड्या एंड केरला। एम्परर अशोका सेंट मिशनरी बोर्ड्स टू म्यांमार में भी उन्होंने मिशनरी बोर्ड्स को भेजा गया, सिलोन, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, मैसिडोनिया एक्सेट्रा। अशोका सेंट हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू सिलोन को भेजा गया टू प्रीच बुद्धिज्म फैलाने के लिए। दस ड्यूरिंग हिज रीन अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिज्म को रॉयल्टी देने लगा। इन एडिशन टू प्रीचिंग अशोका आल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर वर्क, पब्लिक की भलाई का काम भी ये करते थे अशोका। ही अरेंज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, उन्होंने इंसान और जानवर को कोई भी प्रॉब्लम आता है बीमारी उसको ट्रीट करने का उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम भी बनाया। ही गॉट वेल्स डग, उन्होंने कुएं खुदवाए, प्लांटेड ट्रीज, बिल्ड रोड, बिल्ड्स को निर्माण किया एंड बिल्ड रेस्ट रूम। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड डीड्स, उनके क्वालिटी और गुण की वजह से अशोका इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द हिस्ट्री, तो पूरी तारीख में हिस्ट्री में अशोका को एक ग्रेटेस्ट रूलर का खिताब भी मिला। एम्परर अशोक डाइड इन 232 BC में इनका देहांत हो गया। ही रूल्ड फॉर 36 ईयर, उन्होंने एक्चुअली अशोका ने 36 साल राज किया। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा का किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश लार्ज एम्पायर, एक बहुत विशाल एम्पायर को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। इट वाज एक्सपेंडेड बाय एम्परर अशोका ने और इसको फैलाया पूरे देश में। चंद्रगुप्त चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्त चाणक्य जो कौटिल्य इनके चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिशियन भी थे, डिवाइडेड लार्ज मौर्यन एम्पायर को डिवाइड किया गया फॉर वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक आदमी या चंद लोग संभाल नहीं सकते, तो कौटिल्य की सलाह पे पूरे इनके युग को एरा को इन्होंने डिवाइड किया एडवाइस ऑफ विष्णुगुप्ता चाणक्य। ड्यूरिंग दिस टाइम देर वर थ्री सेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन का तीन सेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया यहाँ पे ऑन द एडवाइस ऑफ विष्णुगुप्ता कॉल्ड चाणक्य, ही वाज द चीफ मिनिस्टर एट द टाइम। नेक्स्ट वी सी हियर एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एज में हम देखते हैं तो एक हो गया सेंट्रल, एक प्रोविंशियल, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया सेंट्रल, प्रोविंशियल, रीजनल। तो हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में देखते हैं एम्परर वाज एट दैट सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में, एम्परर सेंटर फिगर है गवर्नेंस में। ही वाज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्पायर, जो एम्पायर में जो इनके एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मिलिट्री है, जुडिशियल डिपार्टमेंट्स के हेड है। हिज पोजिशन वॉज हेरिडेटरी, इनका जो पोजिशन है हेरिडेटरी है, मतलब जैसा हेरिडेटरी का मतलब होता है अगर राजा मरता है तो फिर उनके जो बेटा होता है वो फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह का इसको बोलते हैं इन्हें हेरिडेटरी। पाटलिपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, ही मैनेजेड एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिशियल्स, और मिनिस्टर्स के सलाह मतलब उनका हेल्प लेके ये पूरा चलाते थे अपने एम्पायर को। चाणक्य टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट, चाणक्य ने कहा टोटल 18 डिपार्टमेंट्स है आउट ऑफ विच मेन डिपार्टमेंट्स एंड देयर हेड्स आर एड फॉलोज, हम यहाँ पे देखते हैं तो डिपार्टमेंट है और हेड है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सीताध्यक्ष, नेक्स्ट मिलिट्री डिपार्टमेंट सेनानी कहते, नेक्स्ट जुडिशियल डिपार्टमेंट को प्रदेश शास्त्री, कारोबार डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट पंडिया शख्स, ऑफिस रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट होता है महाकाल पाक, नेक्स्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुद्राक्ष, ये सब अलग अलग इसको डिवाइड किया गया ऑन द एडवाइस ऑफ चाणक्य। नेक्स्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम देखते हैं, द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हेड ऑफ द प्रोविंस वाज द गवर्नर, जो भी एक प्रोविंस का हेड होता है वो गवर्नर कहलाता है। यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट द पोस्ट, एक्चुअली जनरली ये जो प्रोविंस का गवर्नर होता है प्रिंस को अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर टास्क इन द प्रोविंस वॉज टू मेन, उनका काम क्या है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टू गेट द ऑर्डर्स ऑफ किंग के ऑर्डर्स को ओबे करना, फॉलो करना एंड कीपिंग द एम्परर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द प्रोविंस, वो प्रोविंस में जो भी हो रहा है उनको किंग्स को इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन देखते, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईजी करने के लिए एनी प्रोविंस वॉज डिवाइड इंटू, अभी जो भी लोकल प्रोविंस है उसको डिवाइड करते थे किसमें,
ओके डिस्ट्रिक्ट लोकल एंड स्टोरेज तालुका, ओके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजुक होता था, वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था, वाइल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड प्रोविंशियल, गॉप कहते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, इसका एक विलेज होता था। आज भी हम इस तरह का सिस्टम देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में। इट्स हेड्स वॉल का ग्रामानी कहते हैं, इनका होता ग्रामानी यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, जो भी विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ग्रामानी इसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज के जो मेंबर्स चुने उनसे ये राज करते थे। नेक्स्ट सक्सेसर्स ऑफ अशोक, एम्परर अशोक एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, हम यहाँ पे देखते हैं अशोका के जो सक्सेसर थे और मौर्यन एम्पायर किस तरह से डाउनफॉल हो गया। रिगार्डिंग एम्परर अशोका सक्सेसर वी फाइंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इन ब्राह्मीन जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको मिलता है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पुराणास में टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनास्टी रूल फॉर 137 ईयर, ये पुराणास में हमें ये बात मिलती है, सोर्स मिलता है 9 से 10 मौर्यन डायनास्टी के राजा थे तो 137 ईयर्स राज किए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्प्रोविज रूल ऑफ द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनास्टी दैट इज ओके उनका क्या नाम था बृहद्रथ, हिज जनरल पुष्यमित्र किल्ड हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वॉचिंग मिलिट्री डील करते हुए इनको खत्म कर दिया। दस इन 185 BC पुष्यमित्र संघ एस्टैब्लिश शोंग डायनास्टी ऑन द थ्रोन ऑफ मगध पे एंड मौर्यन डायनास्टी केम टू एंड, तो इनका पतन हो गया। तो ये मेन कौन थे एक्चुअली बृहद्रथ, हिज जनरल इनके जनरल थे ये, ठीक है, मौर्यन डायनास्टी वक्त में पुष्यमित्र का नाम था। किल्ड हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वॉचिंग मिलिट्री डील, वॉचिंग मिलिट्री डील करवा इस बहाने से इनको ख़त्म कर दिया गया। ओके बाद में पुष्यमित्र संघ उन्होंने फिर अपनी डायनास्टी को एस्टैब्लिश किया, उस क्या नाम से शंग डायनास्टी, ठीक है। इसके ये लास्ट हो गया, इनका पतन हो गया, मौर्यन डायनास्टी का पतन हो चुका है। तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, थैंक यू।